बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मशरिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। वज़ीरे आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की जानिब से मखलूत सूबाई हुकूमत में शामिल जमातों के पार्लिमानी अराकीन के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिब्बी के सदर बाबू मोहम्मद अनवर जतक और चेयरमैन मीर नूर मोहम्मद बुकटी ने हालिया बजट को मजदूर कुश बजट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कोरोना वायरस के लिए किए गए टेस्ट की तादाद 328 है। अब तक कोरोना के लिए किए गए मजमुई टेस्ट की कुल तादाद 408,522 है। कोरोना वायरस से सेहत याब मरीजों की तादाद 4,197 है। कोरोना वायरस से जाँ भाग मरीजों की कुल तादाद 119 है। कम्युनिटी बेस्ड अमवात की तादाद 69 है। बलोचिस्तान हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, सैंदिक प्रोजेक्ट। बलोचिस्तान हुकूमत ने चीनी कंपनी की माइनिंग लीज में 15 साल की तौसी कर ली। पंजाब ट्रैफिक पुलिस बहावल नगर पर दिहाड़ियों से तैनात जायदुल उमर, तिब्बी लिहाज से नाअहल, सिफारिशी और सियासी बुनियादों पर तैनात अहलकारों की इजारादारी कायम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर से भी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाजई ने कहा है कि मानसून की बारिशों और सैलाबी खतरात के पेश नजर किसी भी किस्म के नुकसान से बर वक्त निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट रहे। सैलाबी रेलों की गुजरगाहों पर कायम तजावजात का खात्मा किया जाएगा। नदी नालों के करीब आबादी खुद रजाकाराना तौर पर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पीटीआई सोहबतपुर की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक अफवाज और पुलिस जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। भारत और दहशत गर्दों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लेवीज खुजदार इंटेलिजेंस और छापामार टीम की कार्रवाई, बदनामे जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। हरनाई शहर और गर्दोनवा में गरज चमक और तूफानी हवा के साथ मानसून की दूसरी बारिश, मौसम खुशगवार। तिब्बी शोबे में सरगर्म अमल, हुकूमत बलोचिस्तान हर पल कोरोना वायरस की तशखीस के लिए फातिमा जिना चेस्ट अस्पताल में मॉडर्न लैब का कयाम, जहां अब तक 13,771 मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं। मनफी टेस्ट 11,895, मुस्बत टेस्ट 1876, सेहतियाब 222। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और अस्पतालों को हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से 55,000 हिफाजती किट्स, 3,80,000 से जायद फेस मास्क, 30,000 N95 मास्क, 3,80,000 ग्लव्स, 2,20,000 शू एंड हेड कवर्स, 85,000 ऑक्सीजन मास्क, 50,000 गॉगल्स और 5,000 सैनिटाइजर की फराहमी। हमारे मसीहा हमारे मुहाफिज, महकमा इत्तलात हुकूमत बलोचिस्तान। आपने जानी अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की जानिब से मखलूत सूबाई हुकूमत में शामिल जमातों के पार्लिमानी अराकीन के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम। पार्लिमानी अराकीन ने मतवाजन और अवाम दोस्त बजट की असम्बली से मंजूरी पर कायदे अवान वजीर आला बलूचिस्तान को मुबारकबाद पेश की। अराकीन का कहना था कि वजीर आला की रहनुमाई, वीएन और गाइडलाइन में तारीखी तरक्याती बजट की तैयारी मुमकिन हुई। वज़ीर आला ने बजट की तैयारी, मंजूरी और दीगर अहम सूबाई अमूर पर मुकम्मल एतमाद पर पार्लिमानी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पार्लिमानी साथियों की राय और मशावरत से अहम सूबाई अमूर को तय करने पर यकीन रखते हैं।
सिब्बी से आपको अपडेट करें, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिब्बी के सदर बाबू मोहम्मद अनवर जतक और चेयरमैन मीर नूर मोहम्मद बुकटी ने हालिया बजट को मजदूर कुश बजट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कोरोना वायरस की वबा के बायस दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया है। महंगाई के तूफान ने गरीब अवाम को अपनी लपेट में ले लिया है। गरीब अवाम और सरकारी मुलाजमीन का कोई परेशानी हाल नहीं है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। एप्का मुलाजमीन के हकूक के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुलाजमीन समेत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। डॉलर की कीमतों में तारीखी इजाफा होने की वजह से महंगाई आसमान को छूने लगी है, जबकि महंगाई में 100% इजाफे के बायस गरीब मजदूर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करके मुल्क की तारीख में बदतरीन मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना तो दूर की बात है, मुलाजमीन पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में इजाफी टैक्सों ने मुलाजमीन समेत गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई के बायस गरीब अवाम की कुव्वत खरीद ने जवाब दे दिया है। उन्होंने हालिया पेश होने वाले बजट को मुस्तरद करके इसे मजदूर कुश बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक जानिब मुल्क में महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस ने गरीब अवाम को परेशान कर रखा है। डॉक्टर वसीम बेग तर्जमान मीडिया कोऑर्डिनेटर बराए डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान सूबाई हेल्थ डायरेक्टर कोरोना वायरस सेल बलूचिस्तान की कोरोना वायरस अपडेट। स्क्रीनिंग किए गए लोगों की कुल तादाद 1,02,726 है। कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद 71 है। कोरोना वायरस मुस्बत रिजल्ट के मरीजों की तादाद 1,04,026 है। कोरोना वायरस मनफी रिजल्ट की तादाद 3,08,096 है। कोरोना वायरस के लिए किए गए टेस्ट की तादाद 328 है। अब तक कोरोना के लिए किए गए मजमू टेस्ट की कुल तादाद 4,08,522 है। कोरोना वायरस से सेहत याब मरीजों की तादाद 4,197 है। कोरोना वायरस से जान भाग मरीजों की कुल तादाद 119 है। कम्युनिटी बेस अमवाद की तादाद 69 है। बलूचिस्तान हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, सैंदिक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान हुकूमत ने चीनी कंपनी की माइनिंग लीज में 15 साल की तौसी कर ली। माहिदे की तौसी का नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत और चीनी कंपनी को अरसाल कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने महकमाए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन को तफसीलात से आगाह कर दिया है। चाइनीज कंपनी MCC सैंदिक में गोल्ड कॉपर माइनिंग के मंसूबे पर काम कर रही है। चाइनीज कंपनी का विफाकी हुकूमत के साथ सैंदिक माहिदा 2022 में खत्म होगा। चाइनीज कंपनी माहिदे की तौसी के लिए विफाकी हुकूमत से रुजू करेगी। कंपनी हुकाम के मुताबिक चीनी कंपनी $45 मिलियन की मजीद सरमायाकारी कर सकेगी। हुकूमत बलूचिस्तान सोने चांदी और कॉपर की माइनिंग जारी रखेगी। सैंदिक में सोने चांदी और तांबे के वसी जखायर मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं जालियांवाला से। नुमाइंदा मशरक गुलाम मुश्तबा कंबो के मुताबिक पंजाब ट्रैफिक पुलिस बहावल नगर पर दिहाड़ियों से तैनात जायदुल उमर तिब्बी लिहाज से नाअहल सिफारिशी और सियासी बुनियादों पर तैनात अहलकारों की इजारादारी कायम हो चुकी है। आए रोज ईमानदार अफसरान के खिलाफ करप्शन की झूठी दरख्वास्तें देना, दफ्तरी मामलात में दखल अंदाजी और सीनियर्स को ब्लैकमेल करना मामूल बन चुका है। दिहाइयों से सियासी बुनियादों पर तैनात करप्ट अहलकार डिपार्टमेंट पर कब्जा करके डिपार्टमेंट को अपनी मनमर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं। कामयाबी न मिलने पर अफसरान के खिलाफ गुमनाम और करप्शन की झूठी दरख्वास्तें दे दी जाती हैं। DSP ट्रैफिक ने ऐसे नाअहल अहलकारों की जिला वापसी और तबादलों के लिए अहकाम को खत भी लिखा है, जिसकी सिफारिशात पर अमल दरामद करके डिपार्टमेंट में बेहतरी लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर से भी डॉक्टर मोहम्मद यासिर बाजई ने कहा है कि मानसून की बारिशों और सैलाबी खतरात के पेश नजर किसी भी किस्म के नुकसानात से बरवक्त निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट रहें। सैलाबी रेलों की गुजरगाहों पर कायम तजावजात का खात्मा किया जाएगा। नदी नालों के करीब आबादी खुद रजाकाराना तौर पर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाए। तमाम महकमे अपने मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख करके इन्हें हाजिर किया जाए। MMD इरीगेशन और म्यूनसिपल कमेटी हैवी मशीनरी को तैयार रखें। महकमा इरीगेशन कमजोर बंदा
इख्तियारात पर काम करके इन्हें मजबूत बनाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिब्बी में होने वाले मूनसून बारिशों के बाद मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नजर हंगामी सूरतहाल से निपटने के लिए जिला अफसरान के मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अनायतुल्लाह कासी, असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी जुहेब अहमद, एक्सीएन इरीगेशन अशोक कुमार, एक्सीएन पब्लिक हेल्थ सिब्बी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी मीर मोहम्मद असलम लगारी, तहसीलदार नसीर अहमद तरीन, नवीज रसालदार मीर मोहम्मद आरिफ मरी समेत दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद यासिफ बाजई ने जिले अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि मानसून की हालिया बारिशों के दौरान तमाम महकमों के अफसरान अपने जिले हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दें, जबकि किसी भी हंगामी सूरतहाल से निपटने के लिए अलर्ट रहे। उन्होंने कहा कि मानसून के बारिशों के दौरान किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरतहाल से निपटने के लिए महकमा इरीगेशन MMG और शहरी इलाकों के लिए म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी हैवी मशीनरी और अमले को अलर्ट रखें। गुज़िश्ता रोज कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशत गर्दों की जानिब से बुजदलाना हमले के खिलाफ PTI सोहबतपुर की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक अफवाज और पुलिस जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। भारत और दहशत गर्दों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क्यादत जिले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम खोसा ने की। रैली के शुरका से मोहम्मद असलम खोसा ने खिताब करते हुए कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का बुजलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नहायत काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे बुजदलाना हमलों से पाकिस्तान का अमनो अमान बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन अपने पाकिस्तान मुखालिफ मजमूम अजायम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमले का मकसद मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है और इसको हम किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। लेवीज खुशदार इंटेलिजेंस और छापामार टीम की कार्रवाई, बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशदार तुफैल अहमद बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर खुशदार अब्दुल मजीद सरपरा के अहकामात की रोशनी में लिवीज इंटेलिजेंस टीम की निशानदही पर लिवीज लाइन ऑफिसर रियाज अहमद मुहर्रर हबीब जहरी की सरबराही में लिवीज छापामार टीम ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मुनशियात फरोश फजल मोहम्मद बल्द मोहम्मद रजा को गिरफ्तार करके इनसे 300 ग्राम चर्स, 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इस बात का इनकशाफ हुआ है कि मस्कूरा मुनशियात फरोश इलाके के नौजवानों को चर्स और दीगर मुनशियात फराहम करने में मुलव्वस थे। लिवीज ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो मुनशियात का कारोबार करने वालों के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतला करें, ताकि इस बात का कलाकमा किया जा सके। मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लिवीज ने मुनशियात फरोशों के साथ निपटने का अज़्म कर रखा है। रुख करते हैं हरनाई। हरनाई शहर और गर्दोनवा में गरज चमक और तूफानी हवा के साथ मानसून की दूसरी बारिश, मौसम खुशगवार। खबर नुमाइंदा बिलाल तरीन दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हरनाई शहर में मंगल की सपहर को तूफानी हवाओं और गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी गर्मी का जोर टूट गया और आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि शहर के 3 मोहल्लों मोहल्ला अख्तराबाद, मोहल्ला जलालाबाद, फ्रंट मियानी मोहल्ले के सैलाब से मुतासरा मकीन सख्त खौफ और परेशानी का शिकार हैं। सरूती हिफाजती बंद के 23 मार्च को टूटने के बाद ताहाल तामीर ना हो सकी। अवामी हलकों ने फौरी और हंगामी बुनियादों पर सरूती हिफाजती बंद की तामीर का मुतालबा किया है, जबकि हरनाई शहर में बिजली लोड शेडिंग में 2 घंटे कमी को सराहा। हरनाई मानसून रेंज में वाकया होने से मानसून के मौसम में बारिश रोज का मामूल है। जिला हरनाई से रिपोर्टर बिलाल तरीन, मशरिक न्यूज, हरनाई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरिक HD.TV और देखते रहिए मशरिक न्यूज़।